हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीएम मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि जो 10 लाख नौकरियां हैं वो दी जानी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप देख ही रहे होंगे कि एसएससी के द्वारा अपनी वैकेंसीज ओपन की गई, उसके बाद लगातार जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां से वैकेंसीज आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है। तो एक जो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सारे के सारे बीटेक वाले हों, चाहे डिप्लोमा वाले हों, चाहे आईटीआई वाले हों, आप सब लोगों के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की यहाँ पे आप लोगों को जॉब देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट भी हैं। अब आप सोच सकते हैं जब इसके अंदर इतनी पोस्ट आ सकती हैं, जो किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। 4000 पोस्ट आना बहुत बड़ी बात होती है, 4000 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने है जो सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर है। आप समझ रहे हो, ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर जहां 100-150 वैकेंसी देखने को मिलती थी, वहां पे 4000 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि जब रेलवे अपना पिटारा खोलेगा तो कितनी अच्छी खासी वैकेंसीज आप सब लोगों के सामने देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल यहां पे मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने जो वैकेंसी है, फिर इसकी भी बात करेंगे आप लोगों की कि कैटेगरी सेकंड में जो ये 2996 जो जॉब है या कैटेगरी फर्स्ट में जो 1216 जॉब है, ये किस तरह से परमानेंट होंगी, क्या है, इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे पूरी। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है और ये जो टेक्निकल ऑफिसर हैं ये आप लोगों के सारे बीटेक वाले या एमएससी वाले जितने भी अभी नीचे क्वालिफिकेशन दी हैं वो लोग हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं 181 पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10 पे ये पोस्ट है। आप समझ सकते हो 56100, आप देख लो कितनी ज्यादा अच्छी, इसका ग्रेड पे भी दिया हुआ है सारी चीजें, किस लेवल पे है, लेवल 10 पे है। अब अगर यहां पे बात करें हम साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो ये डिप्लोमा वाले हैं लेकिन ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए हैं, ओनली 7 पोस्ट हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन बी की हैं, ये है 24 पोस्ट। ये जो पोस्ट हैं, जो आपने ये अभी पोस्ट देखी हैं 181, 7, 24, ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब ये तो परमानेंट ही हैं, इनकी तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट भर्ती हो गई। लेकिन इसके बाद वाले जो लोग हैं, ये जो पोस्ट हैं आप लोगों की 1216, 2946 जो पोस्ट हैं, ये आईटीआई की पोस्ट हैं, ये डिप्लोमा वालों की पोस्ट हैं। इसमें है क्या, पहले साल 24,000 रुपए डिप्लोमा वालों को, दूसरे साल 26,000 रुपए और तीसरे साल में जब आप आओगे तो आप लोगों का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उस इंटरव्यू को जो क्वालिफाई करेंगे वो लेवल 7 पे जाएंगे, मतलब इससे भी ऊपर जाएंगे आप। जो ये ग्रुप बी का है लेवल 6 वाला, इससे भी ऊपर जाएंगे लेवल 7 में, मतलब समझ रहे हो, जैसे सीजीएल का एक इंस्पेक्टर जाता है लेवल 7 4600 ग्रेड पे में, उस लेवल पे आप लोग जाएंगे। अभी नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहां पे अगर देखेंगे डिटेल दे रखी है वैकेंसीज की कि कहां पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये तो आप देख सकते हैं यहां पे एमएससी वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, डिसिप्लिन यहां पे टेक्निकल ऑफिसर की बात हो रही है, जो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है उसमें ज्यादातर एमएससी और बीई बीटेक वाले ही हैं। तो यहां पे आप लोग देख लीजिए किसकी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे फिजिक्स है तो एमएससी चाहिए, उसमें 14 वैकेंसीज है। सिविल में यहां पे आपको 20 चाहिए, बीई बीटेक चाहिए, इस तरीके से आप लोग यहां पे आपके सामने है ये सारी की सारी इसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे, तो ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसी की हैं ये अभी आप लोगों के सामने चल रही है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज मैकेनिकल की, जो ऑब्वियस होनी ही थी यहां, ठीक है। ये 44 वैकेंसीज यहां पे मैकेनिकल की हैं, बी बी टेक आप लोगों के लिए चाहिए मैकेनिकल वालों के लिए। लगभग सारी ब्रांचेस यहां पे कवर हैं, जिसकी जितनी वैकेंसीज है आप लोगों के सामने है। तो बी बी टेक वालों का तो मजा ही है क्योंकि अच्छे खासे ग्रेड पे की जॉब है, सब कुछ है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे बाकी चीज़ों की उनकी डिटेल दी गई है कि भैया कैसे कैसे आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है यहाँ पे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोगों का मेडिकल का इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर बात करें जो लेवल 6 वाली जॉब है वो आप लोगों के सामने कौन सी है, तो वो ये वाली है, फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस न्यूट्रिशन की जॉब है। इसमें बीएससी चाहिए आपको फूड टेक्नोलॉजी या होम साइंस या न्यूट्रिशन के अंदर, ये 60% के साथ आप लोगों को चाहिए। टोटल 7 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है लेवल 6 की। लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं टेक्नीशियन बी की, तो इसमें आपको क्या चाहिए, एसएससी प्लस, मतलब 10th के बाद आपके पास क्या हो रहा है, सीनियर सेकेंडरी के बाद आपके पास क्या चाहिए, सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ट्रेनिंग की जो स्कीम है ये है आप लोगों के लिए, जिसमें ज्यादा पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये बोल रहे हैं या तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद, या 2 ईयर का होना चाहिए हायर सेकेंडरी के बाद, ITI BSc कैंडिडेट अंडरगोइंग, या फिर आपके पास BSc या MSc जिस तरीके से यहां पे लिखी हुई होगी वो आप लोगों को चाहिए। तो केमिस्ट्री की पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट है, 169 पोस्ट है, और यहां पे आप लोगों को पता है कि BSc केमिस्ट्री विद मेजर सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे लगातार पोस्ट है, और सबसे ज्यादा जो पोस्ट होंगी वो मैकेनिकल की ही है। तो निश्चित तौर से यहां पे अगर बात करें तो ये आप लोगों के सामने है, इस चीज को आप देख सकते हैं, मैकेनिकल की जो पोस्ट है 328 पोस्ट है डिप्लोमा की। ठीक है, ये तो आप नोटिफिकेशन में जो चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, सारी की सारी चीजें आप लोग देख ही लोगे, नोटिफिकेशन आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगा। ये उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये है उन लोगों की जो फीटर वाले बंदे हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा पोस्ट है, फीटर की 698 है, टर्नर की 213 है, ये काफी अच्छी खासी पोस्ट आप लोगों के सामने है, बहुत सारी पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट इन्हीं लोगों की है। तो अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि इन लोगों का होगा क्या, मान लीजिए इन्हें भर्ती कर लिया तो सब लोगों को जो डाउट है कि भैया ये परमानेंट है या क्या है, तो इसके बारे में यहां नीचे डिटेल दी गई है। एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर की 35 है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 30 है, लेकिन इनकी जो है कैटेगरी स्टाइपेंड ट्रेनिंग ट्रेनी जो है इसके लिए 19 से 24 साल ओनली, आप देख रहे हो कि कितनी कम एज यहां पे रखी गई है। इसके अलावा आप लोगों को छूट भी दी गई है 3 ईयर 5 ईयर की, जो SC ST OBC वाला सीन है वो आप लोगों के सामने है, पूरी की पूरी चीज आप लोगों को दिख रही होगी। अब इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया इनका होगा क्या। ये पेपर पैटर्न दे रखा है आप लोगों के लिए, पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से यहां पे बताया गया है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया वो ये याद रखनी है आप लोगों को, ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है, बस पेपर इसमें बहुत अच्छे से पास होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट को बुलाया भी जाएगा। आपका जो मेन होगा वो होगा इंटरव्यू या स्किल टेस्ट, वही आप लोगों के लिए मेन होगा। ये देख सकते हैं आप यहां पे लिखा गया है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है या कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनी की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने बोला है कि आपकी ब्रांच से ही 40 क्वेश्चंस आएंगे। यहां पे बोल रहे हैं कि जो आपकी ब्रांच है 2-4 क्वेश्चन अगर इधर उधर मिल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन द वेन्यू और दोज कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। कहने का मतलब यह है कि जो लोग इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे, पेपर बहुत इजी आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, इसको जो क्वालिफाइंग कर जाएंगे सिर्फ उन सबको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप लोग इंटरव्यू दीजिएगा और उसके बाद देखो इन्होंने बोला फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स। इसमें जो मार्क्स आएंगे इसका कोई वेटेज नहीं है आप लोगों का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैटेगरी सेकंड की, तो भैया प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, प्रोसेस है उसका टेक्नीशियन वाला, लेकिन इनका सिर्फ एक ही टेस्ट होगा साइंटिफिक असिस्टेंट का, ये बहुत अच्छा है आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा इनका, जो ये है टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट, इनके लिए 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। और जो अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं उन लड़कों को तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आप कर ही रहे हो। एडवांस टेस्ट के बारे में यहां पे बताया गया है कि द टेस्ट विल बी, यहां पे 50 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का टेस्ट होगा और 3 मार्क्स मिलेंगे 1 क्वेश्चन के लिए, और मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। स्टेज 2 के बाद मेरिट बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सेकंड लिस्ट ओनली, स्टेज 2 में जो बनेंगे उसके हिसाब से। ऑल कैंडिडेट विद लेस देन 30 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 20 मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट। ठीक है, ये उनको बाहर कर दिया जाएगा जो लोग इससे कम मार्क्स लेके आएंगे। स्टेज 3 आपका स्किल टेस्ट है, इसके बेस पे बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पे आप लोगों से प्रैक्टिकल भी करवा के देख लिए जाते हैं। अब बात करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपका होना क्या है, मतलब भर्ती हो गए तो उसके बाद क्या होगा। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जो लगभग सारे के सारे सेंटर्स हैं, अगर आप देखेंगे देहरादून है, दिल्ली है, आसपास के जो सेंटर्स हैं, बाकी साउथ के तो सारे हैं, पटना भी है आप लोगों का, अमृतसर है, बड़ौदा है, बहुत सारे शहर हैं, भोपाल भी है, कानपुर भी है। ठीक है, ये आप लोगों के सेंटर्स हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का होना क्या है, तो उसके बारे में नीचे लिखा गया है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं कि आप लोगों के लिए जो डिटेल्स दी गई है कि भैया अगर आपका हो जाता है तब आप लोगों का क्या होगा। देखो ये बोला गया ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल, मतलब अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी
या स्कोप एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, तो 2 साल की तो आपकी ट्रेनिंग है इसी के अंदर, ठीक है। और जितनी भी यूनिट्स आपकी हैं यहाँ सिचुएटेड, उसके अंदर कहीं भी आप लोगों को कराई जा सकती है, ठीक है। एज पर द प्रिस्क्राइब यहाँ पे ईच डिसिप्लिन सिलेबस, ये सारी चीज़ें तो छोड़ो, द कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी चॉइस ऑप्शन फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग। आप इसके लिए ये नहीं है कि भैया मुझे यह वाली करनी है यहीं पर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप भेजेंगे। ग्रेड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग अपॉन सक्सेसफुल, अगर आपने सक्सेसफुल कर ली है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग विल बी कंसिडर फॉर absorption in the following grade at the time of appointment depending on their performance during the period of training and interview to be held at the end of the training। देखो आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी ट्रेनिंग में, अगर वो चीज सही रही तो साइंटिफिक असिस्टेंट सी में आप लोगों को ले लिया जाएगा, लेवल 7 पे 44,900 आप लोगों का, जो कैटेगरी फर्स्ट वाले थे। और जो कैटेगरी सेकेंड वाले हैं उन्हें टेक्नीशियन डी लेवल 5 पे, टेक्नीशियन सी लेवल 4 पे, टेक्नीशियन बी लेवल 3 पे ले लिया जाएगा। इन एडिशनल टू एंट्री पे अलाउंसेस विल बी एडमिशेबल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेज हैं, मतलब कहने का अगर मैं बात करूं तो जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू के बाद पास होकर जाएंगे, वो जितनी CGL का इंस्पेक्टर सैलरी उठा रहा है लगभग उतनी सैलरी आप लोग उठाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, बाकी डिटेल्स इसके अंदर ऊपर दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आप लोगों को पूरी की पूरी PDF दे दूंगा। तो आप लोग फॉर्म जरूर से जरूर फिल करिए, रेलवे की तैयारी चल रही है साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी। ओपनिंग है 24/4 और क्लोजिंग है 22/5, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।